पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पापा मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और रीत कैसी हो? बेबी कैसा है? बिल्कुल ठीक, बेबी भी अच्छा है। पर तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आ गई थी, अब मैं पाठ में सेवा करने का मौका कैसे छोड़ती? हाँ, तुम तो कोई मौका नहीं छोड़ती। आई मीन सेवा का। पर तुम कैसे आ गई? तुम्हें तो रेस्ट करनी चाहिए, मुझे लगा कि तुम बेबी के पास रुकोगी। योहान का ख्याल आया तो मुझे लगा कि मुझे मत्था टेकने तो जाना चाहिए, तो बस आ गई। और यहाँ आके देख रही हूँ उसकी ताई जी तो सुबह से ही सेवा करने में लगी है। हाय रीत, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। सब ठीक? हाँ। जी अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम सुबह ही आ गए थे? हाँ जी, मैंने ही बुलाया था। पार्ट का सारा अरेंजमेंट इस बार मैं कर रहा था, तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी जी, इसलिए कथा को बुलाया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। अरे मैंने क्या किया है, मैं तो बस भाग दौड़ी कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप, सबसे बड़ी सेवा इन्होंने की है, सुबह आकर कड़ा प्रसाद बनवा दिया, वरना मैं तो फंस जाता। सबको बचा लेती है कथा, हमारी समझदार बच्ची है, अपना हर काम शिद्दत और ईमानदारी से करती है। अब बॉस ने बुलाया तो आना ही था। सत्संग जी पाठ आरंभ हो रही है, सारे आके बैठ जाओ। आंटी जी, इस बार मैं योहान के लिए नहीं आपको भी मिलने आई हूँ। पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ आपसे। पता नहीं क्यों बड़ी चिंता हो रही थी आपकी मुझे। देख रहे हैं कथा को कैसे व्यान के आगे पीछे घूम रही है, आज ये उसके आसपास घूम रही है, कल व्यान इसके आगे पीछे घूमेगा। ऐसे ही करती है आंटी जी, हमारे घर भी इसने पहले सबकी मदद की, सबको लगा कि वाह ये लड़की तो सबसे बेस्ट है, और अब आप इसका नाम जप। आंटी जी अपनी सुरक्षा अपने हाथ, टाइम रहते आप इसको कह दीजिए कि ये आपका घर है और व्यान आपका बेटा है, ये तो एक बार अगर इस घर में घुस गई ना तो आप अपने लिए जगह ढूंढती रह जाएंगी। सॉरी आंटी जी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो, पर क्या है ना आंटी जी, जिसके साथ गलत हुआ होता है ना वो दूसरे को सेम प्रॉब्लम में फंसते हुए देख नहीं सकता। आई होप आप समझ रही होंगे मैं क्या कह रही हूं।
सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे टेरेस पे जा टेक केयर ऑफ एवरीवन श्योर हां पक्का मुझे लगता है मैं हूं क्योंकि आप वो मुझसे बात करती वो आप हैं मैं कहना तो ये चाहता हूं कि वो कविता मैंने आपके लिए लिखी फिर सच कहूं आपके बारे में सोच रहा था और वो कविता खुद ब खुद बनती चली गई जब जब मैं आपके पीछे आया हूं मुझे ऐसे लगा है जैसे अंधेरे में किसी जुगनू के पीछे जा रहा हूं मुझे काफी समय लगा इस फीलिंग को समझने में आपको जानने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है उसने मुझे बहुत परेशान किया मैं पहचान ही नहीं पाया उस इमोशन को फिर पता है क्या वो इमोशन वो फीलिंग मुझे स्टोर रूम में मिली ये रहा वो इमोशन खुशी का आखिरी बार बचपन में महसूस किया था इसे जी खोल के खुश होने वाला छोटे मोटे खिलौनों में खुशियां ढूंढने वाला बिना मतलब के मुस्कुराने वाला खुल के जीने वाला सुकून वाला प्यार वाला आपसे मिलकर मुझे फिर से खुश होना आ गया मुझे पता चला एक उम्र के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था पर अब कथा मैं जीना चाहता हूं मुझे जुगनुओं से रोशन जीवन की हर रात करनी शुक्र है आप मुझसे बात करती हैं पर मुझे भी आपसे बात करनी मुझे आपसे कहना है कि जुगनू है तो जादू है जादू है तो भगवान भी है और भगवान है तो प्यार भी है और पता है क्या प्यार है तभी तो जुगनू है देखना निहारना अच्छा
अच्छा लगता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।